हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइटेल मोबाइल में कीबोर्ड का फॉन्ट कैसे बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप अपने आइटेल मोबाइल का कीबोर्ड ओपन कर लीजिए। आप किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप ओपन करता हूं, यहां से किसी का चैट ओपन करता हूँ और नीचे में मैं यहाँ मैसेज बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो कीबोर्ड ओपन हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी मैं अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में टाइप होता है, मतलब जो पहले से सेट रहता है वही फॉन्ट में टाइप होता है। लेकिन अगर जो आप कीबोर्ड फॉन्ट को बदलना चाहते हैं आइटेल मोबाइल में तो कैसे बदलेंगे, उसके लिए आप अपना आइटेल मोबाइल में कीबोर्ड ओपन कर लीजिए। कीबोर्ड ओपन करेंगे, कीबोर्ड में कुछ भी टाइप नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड के ऊपर साइड कोने तरफ यहाँ पर आपको एक स्टिकर का आइकॉन दिखेगा। तो आप इस स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो देख सकते हैं पहले से यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट सेट है। अगर जो फॉन्ट आपको बदलना है तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर जो आप यहाँ पर उंगली रख के स्वाइप इधर की ओर करेंगे तो और भी तरह का आपको फॉन्ट देखने को मिल जाता है। आपको जिस भी फॉन्ट में आपको टाइपिंग करना है वो फॉन्ट पर क्लिक करिए, वो फॉन्ट सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे बोल्ड इटैलिक में टाइपिंग करना है तो मैं यहाँ बोल्ड इटैलिक पर क्लिक किया। अब ये कीबोर्ड फॉन्ट बोल्ड इटैलिक सेट हो गया। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड इटैलिक में टाइप हो रहा है। अगर जो इसको हम भेजेंगे तो बोल्ड इटैलिक में ही जाएगा। ये अगर जो और भी आपको दूसरे तरह का फॉन्ट आपको सेट करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर उंगली रख के इधर की ओर स्वाइप करेंगे और सारा फॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर बॉक्स का, अगर जो आपको बॉक्स टाइप में आपको भेजना है मैसेज तो आप यहाँ बॉक्स पर क्लिक करिए और उसके बाद कुछ भी टाइप करेंगे तो बॉक्स टाइप में हो जाए। देख सकते हैं अब जो है वो मेरा कीबोर्ड का फॉन्ट बॉक्स टाइप में हो गया। अब मैं हम कुछ भी टाइप करें तो बॉक्स टाइप में हो रहा है, देख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे तरह का आपको फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाता है। आपको जिस तरह में करना है, जो भी फॉन्ट आपको सेट करना है कीबोर्ड का, आप उस पर क्लिक करिए, वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ भी आप टाइपिंग करेंगे तो वही फॉन्ट में टाइपिंग होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जिस भी आपको फॉन्ट में टाइप करना है वो क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कुछ भी टाइप करेंगे तो वही फॉन्ट में होगा। या अगर जो आप यहाँ क्रॉस के आइकॉन पर क्लिक करके आप बैक करेंगे तो आपका फॉन्ट जो है वो पहले वाला ही सेट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। जैसे अब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो देख सकते हैं अब वो वाला हट चुका है, अब ये डिफ़ॉल्ट वाला हो चुका है। तो जब आपको जिस भी तरह का फॉन्ट में टाइपिंग करना है वो फॉन्ट सेट कर लीजिए और उसके बाद टाइप कर सकते हैं।